मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा, देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो। जेल में बंद महाठग का नाम सुकेश चंद्रशेखर है और जेल में बंद दिल्ली के मंत्री का नाम सत्येंद्र जैन। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा देने के बदले उससे 10 करोड़ रुपए लिए। सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल में सुरक्षा के बदले पैसे की मांग की। सत्येंद्र जैन ने मुझे हर महीने 2 करोड़ देने को कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एक बार फिर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए 7 किश्तों में दिए गए। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उस पर गोवा और पंजाब चुनाव के दौरान फंड मुहैया कराने का दबाव बनाया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि जब उसे जेल प्रशासन की तरफ से धमकी दी गई तब उसने अरविंद केजरीवाल को लेकर कथित खुलासे किए। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर का बम फोड़ा है। सुकेश ने अपने लेटर के जरिए केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। सुकेश के मुताबिक फरवरी 2017 में उन्हें $20 मिलियन को रुपए में बदलवाने के लिए फोन आया था और ये डॉलर सत्येंद्र जैन के परिचित से लेना था जो कि बेंगलुरु में एक डिस्टिल्ड कंपनी चलाता है और पूरा पैसा आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा था। लेटर में सुकेश ने लिखा कि केजरीवाल जवाब दे कि ये पैसा किसका था और वो ज्वेलर कौन था जिन्हें यहाँ से 4 बैग डिलीवरी किए गए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद निकलते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 करोड़। कैमरे पर बोला है सुकेश, आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए।